प्रश्न नंबर एक, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो देखिए यहाँ पर 0 से लगाकर 12 तक खींचा है, 12 तक है, फिर देखते हैं दो दो के पार्ट बने हैं, ये दो दो के पार्ट हैं, तो देखते हैं 12 को अगर दो दो के पार्ट बनाए तो कितने हो जाएगा, 6। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए, और शेषफल कितना आएगा, 0। अगर 2 से 12 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। अर्थात शेषफल होगा 0 और 6 पार्टों में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तत्व 3 × 7 = 21 है। संगत गुणात्मक तत्व देखते हैं, यहाँ पर जो इधर भाग लिखा है, भाग में 3 लिखा है, ये उधर जाके गुणे में आ गया 7, या 7 के साथ में गुणे में, इधर भाग में है और इधर 7 के, उधर जाके 7 के साथ गुणे में आ गया और 21 उधर से, ठीक। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे जो 8 भाग में है, जब संगत गुणात्मक तथ्य लिखेंगे, संगत गुणात्मक तथ्य, तो जो 8 इधर भाग में पहले जाएगा गुणे में हो जाएगा है, और ये बराबर 56। अच्छा सेकंड देखते हैं, 56 भाग 11 = 6, तो ये 11 जो भाग में है गुणे में हो जाएगा, 11 × 6 = 66। प्रश्न नंबर 3, 117 को 2 संख्याओं में गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, यानी 117 के 2 फैक्टर गुणनखंड करना है। तो देखते हैं 2 संख्या लिखनी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 117, जिसमें पहली संख्या है यानी एक संख्या है 13, तो दूसरी संख्या हमको पहले ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर 117। ये जो 13 इधर गुणे में है उधर जाएगी, बटे में हो जाएगी, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 117/13, यानी कितना आ गया, 9, यानी दूसरी संख्या होगी 9, यानी इसको हम लिखेंगे 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, तो लिख देंगे 13 × 9 = 117। प्रश्न नंबर 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। हाँ संभव है, वो संख्या होगी 1, क्योंकि इसको स्वयं यानी स्वयं से भाग करने पर, यानी अगर एक ही से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं, अगर जैसे मान लो 2 मान लेते हैं, अगर उसको 2 से भाग करेंगे तो आंसर वही नहीं होगा, यानी चेंज हो जाएगा, केवल वही एक संख्या ऐसी है 1, जिसको 1 उसी संख्या से भाग देने पर वही भागफल आता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या 2 विभिन्न संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर भागफल वही होता है। नहीं, क्योंकि अभी हम देखते हैं, जैसे मान लो 4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 को अगर 4 से भाग करेंगे तो आएगा 0.5, ये आंसर दोनों अलग अलग है, और गुणा में अगर होता तो वही बराबर होता है, 4 × 2 या 2 × 4, देखते हैं दोनों में बराबर होता है, गुणा में होता है a × b = b × a, और भाग में होता है a/b = b/a, ये बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित प्रश्न, 80 और 99 के बीच अभाज्य संख्या है 81 और 83। देखते हैं पहले 81 तो ये भाज्य है, क्योंकि ये 9 से कट जाएगी और 27 से भी कट जाएगी, तो यानी गा में भी 81 से कट जाएगी, देखते हैं खा में 83 और 87, 83 तो अभाज्य है लेकिन ये 87 जो है 29 से कट जाएगी, 29 * 87 होता है। फिर घ नंबर देखते हैं 83 और 89, 83 और 89 दोनों अभाज्य संख्या है, अतः विकल्प घ सही है, आंसर नंबर घ। प्रश्न नंबर 2, भिन्न संख्या ज्ञात करो, जैसे लिखा है 6 3 18 7 5 35 9 3 27 5 4 26 8 7 56, इसमें जो है जो 5 है इसमें मतलब 4 में ऐसा जो किसी भी नियम द्वारा एक समान है और एक इसमें भिन्न है, तो देखते हैं पहले ये भिन्न संख्या होगी ये वाली, क्योंकि देखते हैं इसमें 6 और 3 18, यानी 6 3 18 7 5 35 9 3 27 8 7 56, और यहाँ पर 5 को 20 होना चाहिए था लेकिन कितना लिखा है 26, अतः विकल्प घ नंबर सही है।
प्रश्न नंबर तीन, रिक्त स्थान भरो 96, 169, 144, 121, 100। फिर यहाँ पर खाली जगह छुट्टी है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? देखते हैं इसमें कोई ना कोई नियम लगा। ये 14 का स्क्वायर है, यानी देखते हैं यहाँ पर, देखें 14 × 14 196 होता है, ये होगा 13 × 13, ये होगा 12 × 12, 12 × 144, ये होता है 11 × 11, ये होगा 10 × 10। तब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 9 × 9, यानी 9×9 = 81, यानी विकल्प कौन सा सही है? घ नंबर। अभ्यास 2D द पिंड। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक वाले थंबनेल को टच कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो रेड वाले सब्सक्राइब को टच कर दें, और इसके बाद ये जो बेल आइटम आए, बेल आइकन का आया निशान, इसको भी टच कर दें ताकि हमारा हर वीडियो बनने वाला आपके फाइल में जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप सारे वीडियो को देख सकें। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।